टीएमसी का महकमा इंसदादे तजावजात हरकत में कोई सुनवाई नहीं होगी, बस कार्रवाई होगी। गैर कानूनी बिल्डिंग हो या घर, फुटपाथ हो या ठेले पथारे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। महकमा इंसदादे तजावजात ने बलोच कॉलोनी पुल के नीचे बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गन्ने की मशीनें भी जब्त कर ली। बशीर सिद्दीकी बोले, पुलिस कहीं भी साथ नहीं देती, पहले भी तजावजात साफ करवाई, पथारे माफिया वापस आ जाते हैं, अब की बारी जिम्मेदारी इलाका एसएचओ की होगी। जिस माफिया ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, उस माफिया ने उसको मार के भगा दिया। मेरे पास वो ब्यूटीफिकेशन के लाइसेंस भी मौजूद है, लेकिन हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ पर काबू नहीं कर सके। अब हमने डीसी को कहा है, असिस्टेंट कमिश्नर को कहा है कि वो हैंडओवर हम करेंगे, अब आज क्लीन करके उनको, इलाके का एसएचओ अब यहाँ का जिम्मेदार होगा कि वो अगर यहाँ पे इंक्रोचमेंट लगी, परसों हाई कोर्ट के अंदर हम ये रिपोर्ट जमा कराएंगे कि आइंदा यहाँ पर कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार इलाका एसएचओ होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कार्रवाइयाँ शहर भर में जारी हैं। जरूरत इस अमल की है कि ठेला और पथारे माफिया को गिरफ्तार करके करारवा के सजा सुनाई जाए। कैमरामैन दिलशाद इलियास के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो वन न्यूज़ कराची।